दोस्तों, इस बारिश में कहाँ ही जाया जाए। अब प्रॉब्लम ये हो रही कि सुबह सुबह बारिश हो गई, जिम जाए तो कैसे जाए था। और ऐसे भी नहीं, कम आ रही है, तेज आ रही है बारिश। यू कैन सी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सोच रहे होंगे आज मैं सुबह सुबह रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ, तो एज यूजुअल जिम जा रही हूँ। और जिम तो यार क्या ही जाना होगा अब, क्योंकि मैं ना सुबह से उठी, मैंने देखा मौसम बहुत ख़राब है और मेरी लिप बाम ज़्यादा लग गई है। माइंड मत करना, लिपस्टिक नहीं, लिप बाम है ओनली। तो मैं सुबह सुबह उठी तो मैंने देखा कि यार बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश होगी जल्दी से रेडी हो जाते हैं, पर फटाफट से जिम चलते हैं। मैं रेडी हुई, इतनी सी देर में बारिश आ गई। बारिश को और मेरी बहुत ही बड़ी दुश्मनी मुझे लग रहा है। मतलब ये रेडी होने के बाद क्यों है, रेडी होने से पहले आ जाती तो मैं आराम से सो सकती थी। अब रेडी होने के बाद आ गई तो मैं क्या करूँ, कर भी क्या सकती हूँ मैं। और अभी यार कितने बजने वाले हैं, पिछले आधा घंटे से बारिश हो रही है, मतलब 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक बारिश कंटिन्यू हो रही है। मैं वेट कर रही हूँ कि रुक जाए और जिम जाऊँ मैं, लेकिन आज मैं जिम तो जाकर हूँगी। मम्मी बना रही है सुबह सुबह खाना। तो मम्मी आज क्या बना रहे हो आप? चौड़े की कढ़ी, रोटी, ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या खाओगे बताओ? और ये देखो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाकर आई है और ऐसे फ़ोन चला रही है। बंद कर इसको, फ़ोन चलाने में लग रही है। गुन्नू कुछ कहना है आपको? कैसा लगा सुबह सुबह घूम के, मज़ा आ गया? चलो भाई, सब अपने अपने काम में व्यस्त है, मैं ही वेली हूँ। और पापा टीवी चालू करके सो रहे हैं, ऐसे नहीं कि टीवी देख ले और अभी बंद कर देंगे तो बोलेंगे देख रहा हूँ ना मैं। तो दोस्तों, कहा था ना मैंने, चाहे कुछ भी हो जाए जिम तो आके रहूँगी। मैंने थोड़ा वेट किया, बारिश थोड़ी कम हुई और फिर मैं निकल गई। लेकिन मेरी किस्मत अभी भी ख़राब थी, फाटक बंद था तो मुझे कहीं और रुकना पड़ा। जैसे फाटा खुला वैसे मैं जिम आ गई जल्दी से। और यार यहाँ पर कोई भी नहीं है सीरियसली, मतलब क्या हो जाता है लोगों को, कहाँ गायब हो जाते हैं ये लोग। जिम में आने के बाद मैंने सॉन्ग्स कनेक्ट करे और जिम की लाइट्स भी मैंने ऑन करी है, लेकिन अभी तक एक बंदा भी नहीं है। एक या दो भैया बैठे हैं, वो पीछे की साइड में, मतलब वो स्ट्रेंथ वाली वर्कआउट कर रहे हैं, बाकी सब मेरे अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे। और जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया वैसे ही वापस बारिश आने लग गई बाहर। तो यार ये हमारे यहाँ की तो कॉमन ही बात है, मतलब इधर से सीधा घर पड़ता है मेरा, मुझे ज़्यादा लॉन्ग वे से नहीं आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पानी भरा रहता है और इन्होंने कुछ लगा रखा है जिससे रास्ता बंद हो चुका है। और लो भाई, मेरे इतना करने पर एक ही सेकंड में धूप आ गई, मतलब ये जैसे मैं थोड़ा वर्कआउट किया उसकी एक सेकंड में धूप आ गई यहाँ पे। और यार मैंने शॉपिंग करने हम आए थे जयपुर के रेडिसन में, कोई एग्जीबिशन लगी थी और वहाँ पर सीरियसली कुछ भी पसंद नहीं आया, बस इस प्लांट के अलावा। मैं वेट कर रही थी मेरी गाड़ी का कि मैं जाऊँ नीचे गाड़ी लेकर आऊँ, लेकिन मुझे ये अच्छा लगने लगा तो मैं ये शूट करने लगी। बाकी शॉपिंग करने आओ तो एग्जीबिशन देख के इंस्टा पर कभी मत। देख रहे हो ना मस्त भेलपूरी, और थोड़ा सा हम ऐसे ही खा लेते हैं। कैसे पागलों की तरह खा रहे हो, मतलब गिर गया नीचे। मस्त भेलपूरी बनाई है मम्मी आज, सुबह खाई थी, मस्त आई थी। समोसे की चटनी भेलपूरी में काम आ रही है, मीठी वाली और ग्रीन वाली। चलो मेरे से तो वेट नहीं हो रहा, मिला लेते हैं अपन सरसों तेल। सरसों तेल सो गाइस, बन गई हमारी चटपटी चटपटी भेलपूरी। कोई खाने के लिए आए मेरे से, तुम पहले खा के टेस्ट कर लेते हो। मस्त होने यार, सुपर हेल्दी है ये और चटपटी भी है। हम भी आते सबको खा लेंगे, मेरे जुटा मत कर आजू पिटेगी। ये नहीं खा रहा, तू भी खा ले। यार इसकी किसी चीज की लग रही है भयंकर, देख आजू खतरनाक लग रही है ना उसके गर्दन में।
कल दवाई दिलाने।